नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रिया तिवारी, कैंसर विशेषज्ञ, आर्टेमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे है, तो आइए जानते हैं कैंसर के बारे में कुछ बातें। सबसे बड़ी बात कि कैंसर किसी को भी हो सकता है। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि मैंने तो कोई नशा नहीं किया, न तंबाकू लिया, न शराब लिया, मुझे कैसे कैंसर हो गया। कैंसर एक बढ़ती उम्र का रोग है। जैसे बढ़ती उम्र में हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, ब्रेन में स्ट्रोक या लकवा हो सकता है, वैसे ही कैंसर भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि इसके लिए कोई रिस्क फैक्टर्स हो, लेकिन हाँ, कुछ कारणों की वजह से कैंसर ज्यादा हो सकता है, जिसमें कि तंबाकू, शराब और अब तो एयर पोल्यूशन की वजह से भी कैंसर देखा जा रहा है, खासतौर पर फेफड़े का कैंसर। तो जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि कैंसर किसी को भी हो सकता है और कुछ कारणों की वजह से ये ज़्यादा हो सकता है, तो कुछ कारणों की वजह से और कुछ रोकथाम के उपाय करके हम कैंसर के इंसिडेंस या कैंसर की होने वाली संभावना को कम भी कर सकते हैं। सो जैसे कि हार्ट के लिए, हार्ट की बीमारी कम करने के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। एक्सरसाइज से कैंसर भी कम किया जा सकता है। अगर आप हफ्ते में 5 दिन भी व्यायाम करते हैं, आधे घंटे से ज़्यादा व्यायाम के तौर पे, जैसे कि रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, योगाभ्यास, ये सारे एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छे कारगर एक्सरसाइजेस हैं और ये शरीर के लिए, दिमाग के लिए, हार्ट के लिए ज़रूरी हैं और ये कैंसर के इंसिडेंस को भी कम करते हैं। इसके अलावा जो हेल्दी डाइट है, हेल्दी डाइट का मतलब ये है कि आप खाने में जो प्रोसेस फूड होता है वह कम लें और अनप्रोसेस फूड जैसे कि सलाद, फ्रूट्स और रफेज रिच डाइट होते हैं, जैसे कि होल ग्रेन सीरियल्स, अगर आप ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो ये भी शरीर के लिए काफ़ी अच्छे हैं और ये हमारी सेल्स को इम्प्रूव करते हैं और जिससे कैंसर्स भी होने का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। धूम्रपान से बचें, तंबाकू से बचें। हमारे देश में जो पुरुषों में होने वाला जो सबसे ज़्यादा कैंसर है वह है मुंह का कैंसर और फेफड़े का कैंसर। ये दोनों कैंसर ही तंबाकू या धूम्रपान की वजह से होते हैं, तो अगर हम तंबाकू या धूम्रपान से बचते हैं तो ये दोनों कैंसर काफ़ी कम हो सकते हैं। शरीर में कम से कम और भी कई ढेर सारे कैंसर्स हैं, 10 तरह से ज़्यादा के कैंसर्स हैं जो धूम्रपान या तंबाकू से होते हैं, तो वह सारे कैंसर्स भी धूम्रपान अगर कम किए जाए तो कम हो सकते हैं। कैंसर का एक कारण मोटापा भी है। जी हाँ, लोगों को ये बात पता नहीं है, बट मोटापे की वजह से भी शरीर में कुछ तरह के इम्बैलेंसेस हो सकते हैं जो सेल्स के ऊपर असर डालते हैं और वहाँ से भी कैंसर शुरू हो सकता है। तो अगर आप मोटापे से बचते हैं, अपना वेट अगर नियंत्रित करते हैं, तो आप कैंसर से भी बच सकते हैं। इसके अलावा एक जो बहुत ही अच्छा और हेल्दी मेजर है वह है डिनर समय पर लेना। तो इसके बारे में भी आजकल काफ़ी बातें चल रही हैं, अनुसंधान चल रहा है। आप क्या खाते हैं ये ज़रूरी है, आप किस समय खाते हैं ये भी जानना ज़रूरी है। अगर आपका डिनर का टाइम 9 बजे से पहले हो या फिर सोने के टाइम से एटलीस्ट 2 घंटा पहले, तो ये देखा गया है कि वह भी शरीर के लिए बहुत अच्छा है, शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा है और शरीर का मेटाबॉलिज्म अगर स्वस्थ रहता है तो उससे भी जो कैंसर होने का इंसिडेंस है वह कम हो जाता है। कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं, कुछ कैंसर ऐसे हैं जिनके लिए अभी वैक्सीनेशन आ गई है, खास तौर पे सर्वाइकल कैंसर। स्त्रियों में एक सर्वाइकल कैंसर इंडिया में बहुत ही कॉमन कैंसर है और जिससे मृत्यु भी होती है, लेकिन सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन अब इंडिया में अवेलेबल है। ये हर छोटे बड़े शहर में अवेलेबल है और यह वैक्सीनेशन 9 साल से ऊपर की सभी लड़कियां ले सकती हैं। जनरली कहते हैं कि 9 से 26 साल की उम्र में लेना चाहिए और अगर आप लेते हैं तब सर्वाइकल कैंसर होने का चांस है ये भी काफ़ी कम हो जाता है। इसके अलावा कोई छोटे छोटे मेजर्स हैं जिसकी वजह से आप कैंसर से बच सकते हैं। कैंसर के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप हमसे भी आके मिल सकते हैं। तो फिलहाल कैंसर के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए, स्वस्थ रहिए और कैंसर से बचिए। नमस्कार।